तो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज हम आ चुके हैं रोनी सेक्टर 17 में। तो भाई आप है ना दुम राके से यहाँ पे गलियाँ सजा रखी है, पूरी मार्केट रोनी सेक्टर 17 की सजी हुई है। और भाई हम यहाँ पे रोनी सेक्टर 17 की मार्केट में आए हैं सरदार जी कुरकुरे मोमोज पे, भाई रोनी सेक्टर 17। तो भाई यहाँ पे ना आज हम कुरकुरे ट्राई करने वाले हैं। तो भाई हमने फिलहाल अपने यहाँ पे ना कुरकुरे की प्लेट बोल दी है, कुरकुरे पनीर वेज मोमोज। तो भाई हम जा रहे हैं इनके पास, इनके अंदर, इनके शॉप के अंदर यहाँ पे बैठ के खाएंगे। भाई हम यहाँ पे ये देखो भाई, हमारा सोनू भी यहाँ पे बैठ चुका भाई, चेतन मेरे साथ खड़ा भाई। तो आज इसका बर्थडे है तो इसके लिए हम स्पेशल यहाँ पे हैं। तो सोचा क्यों ना हम सरदार जी के कुरकुरे मोमोज यहाँ पे चेक करें। तो भाई हमारे यहाँ पे कुरकुरे मोमोज तैयार हो चुके हैं, अभी हमारे ना प्लेटिंग में लगने जा रहे हैं। भाई यहाँ पे हमारे ना प्लेट तैयार हो रही है कुरकुरे मोमोज की। तो आज हम इसके अंदर आप लोगों को ना एकदम जेन्युइन, जो बिल्कुल बोलते ना जेन्युइन विदाउट पेड प्रमोशन, भाई बिल्कुल जेन्युइन आप लोगों को रिव्यू देने वाले हैं सरदार जी कुरकुरे मोमोज का, कि भाई वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। देखो आप, मेरे यहाँ पे मोमोज तोड़ा है, देखो मतलब कि ना स्टफिंग बहुत कम लग रही है भाई इसके अंदर, कुरकुरापन और मैदा ज़्यादा ही है इसमें और स्टफिंग कम है। और बाकी भाई इनकी जो हरी वाली सॉस है ना, हरी वाली चटनी हैंडमेड होममेड बहुत ही लाजवाब भाई। मोमोज वाली चटनी जो है ना उसको भी माफ़ करती है भाई, इतनी खतरनाक चटनी है ना ये, खा के भाई मज़ा आ गया। बाकी तो भैया मेयोनीज तो लोकल ही है इनकी, क्योंकि भाई ये है ना पैकेट वाली मेयोनीज इस्तेमाल करते हैं, ये होममेड नहीं है इनकी। बाकी भाई स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कुछ है नहीं यार, बस ये मान लो मैदा और कुरकुरा और कुछ नहीं है। बाकी देखो चटनी, हरे वाली चटनी के साथ मज़ा आ गया हमें मोमोज खा के, वैसा कुछ मज़ा नहीं आया था। लेकिन भाई यहाँ पे ना ठीक है भाई, हमने करवाई है, ट्राई ज़रूर करना था, आप लोगों को बताना था कभी बाई चांस इन फ्यूचर आप यहाँ पे आओ तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो ना यहाँ पे, कि भाई इसमें फीलिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। ओवरऑल भाई टेस्ट अच्छा था, लेकिन मोमोज वाली सॉस में इतना खास टेस्ट नहीं था। तो हम यहाँ पे खाने लग रहे हैं भाई तीनों, भाई हमने प्लेट ऑर्डर कर दिया तो भाई खानी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन हरी वाली जो इनकी सॉस है वो भाई वाकई में लाजवाब है भाई, उसके साथ तो एक जो कहते हैं ना भाई मोमोज वाली चटनी बिल्कुल फैल हो गई थी। तो भाई हरी वाली चटनी चेक करने जरूर आ रहा है इनकी, हरी वाली चटनी बड़ी खतरनाक है। तो भाई ये मोमोज हम खाने लग रहे हैं, आप देख लो इसके अंदर कोई स्टफिंग नहीं दिख रही होगी आपको, ये हमारी पूरी प्लेट है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ना सोनू भी अपना एंजॉय कर रहा भाई, तो थोड़ी देर भाई यहाँ से इनको खा के स्किप करते हैं वीडियो, आगे जाते हैं। तो भाई फाइनली हमने अपने ना मोमोज पूरे ख़त्म कर दिए भाई, फिनिश कर दिए यहाँ पे ना। बस जो आप लोगों को बताना था वो मैंने बता दिया, मेन चीज़ वही थी कि भाई यहाँ पे ना स्टिपिंग बहुत कम है वाकई में, लेकिन यहाँ पे ना भाई कुरकुरे की क्वांटिटी और भाई मोमोज की क्वांटिटी भी बहुत काफ़ी अच्छी थी, अच्छी मोटा मतलब भारा भरकम कुरकुरा दे रखा था इन्होंने। 100 रुपये में भाई से कुरकुरे मोमोज दे रहे थे, तो वर्थ है भाई, ठीक है यार 100 रुपये में इतने अच्छे मोमोज, इतनी क्वान्टिटी मतलब अच्छी थी उसकी क्वालिटी, लेकिन अंदर की जो स्टफिंग थी बहुत कम थी। तो भाई ये सरदार जी मोमोज वाले की दुकान है सामने, ये रोनी सेक्टर 17 की मेन मार्केट। तो भाई ये अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। बाकी देखो टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, ठीक है। और हरी वाली चटनी मैं फिर से कहूँगा बहुत ही लाजवाब थी। तो भाई हम चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, हमें आगे भी जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई।